पसीने से बहुत बदबू आती है। मेरे मोहतरम भाइयों, उसके पसीने से बदबू आती है जिसका पेट ख़राब होता है। जिसका पेट, सबसे पहले पेट का इलाज करो। सहरी में लस्सी के इस्तेमाल के फ़ायदे बता दें। मेरे मोहतरम भाइयों, सहरी में पानी, ये खाने के साथ मैं कहता हूँ पानी मत पियो। सहरी में जब आप खाना खाओ, जो खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना, वो पानी पियो और खाने के साथ भरपूर लस्सी पियो। एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, जो दही मिट्टी की हांडी में जमता है, मिट्टी की कनाली में जमता है, मिट्टी के बर्तन में जमता है, मेरे मोहतरम भाइयों, उसकी तासीर ठंडी होती है। और जो दही जमा सिल्वर में, स्टील में, नॉनस्टिक में, टेफ्लॉन में, पीतल में, सॉरी पीतल नहीं, ये जो क्या कहते हैं, ये स्टेनलेस स्टील होता है, इसकी तासीर गर्म होती है, इसकी तासीर। और लोग कहते हैं दही खाते हैं जलन होती है, क्यों होती है जलन? मिट्टी के बर्तन में, हमेशा मिट्टी के बर्तन में जमा हुआ दही, इसकी आदत बनाओ। और लस्सी वो पियो जो जो मिट्टी के बर्तन में जमा है। और जो आप दुकानों से पीते हैं आजकल, उनके उनके कनालियां हैं कि पराते हैं, तो वो ठंडक देगा कि गर्मी देगा? तो मेरे मोहतरम भाइयों, मिट्टी के बर्तन में जो जमा हुआ दही है, उसकी बनी हुई जो लस्सी है, वो आपको ठंडक देगी।